हाँ जी, सेवन्थ क्लास दे सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। इस लैक्चर दे विच अज आपां एक्सरसाइज 4.3 करांगे कंटिन्यू। इस तो पहला एक्सरसाइज 4.1 ते 4.2 हो चुकी है, जिदा कि जिहड़ा लिंक है सानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा। ते आपां क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करदे हां। इहदे विच इंग्लिश पंजाबी दोहां विच है, पर जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है इहदे विच कोई फर्क नहीं हैगा इंग्लिश ते पंजाबी दे विच, सिर्फ स्टेटमेंट दे विच फर्क है। उहनूं आपां पढ़ के तो फिर इनू अपना जूम करके सिर्फ पंजाबी वाला पोर्शन या फिर कल्ला पा इंग्लिश वाला पोर्शन ही सॉल्व करांगे। तो की अपने को हेठ दित्तियां समीकरणों हल करो, ठीक है जी। ये की है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन मतलब होंगे समीकरण, इन्हों आप हल करना है। तो हूँ पंजाबी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, आप बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम चीज़ है। तो हूँ आप सिर्फ जोड़ा पंजाबी वाला पोर्शन है उन्होंने आप जूम कर लें, दोहों काम आऊगा वो, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम आप इन सॉल्व करते हैं। सब तो पहले क्या ए पार्ट हैगा, ए पार्ट के अपने को 2y + 5/2 = 37/2, ये अपने को ए पार्ट है जोड़ा। तो हम इन आप सॉल्व करा, तो देखो इनू आप किमें सॉल्व करना है। हाँ जी, 2y + 5/2 = 37/2, 37/2। तो सब तो पहला आप जिमें करते होंगे, जिमें मान लो एक अपने को जिमें आप 2.2 सोल्व की, मान लो उसे 6 = 7 होंगे अपने को, आप करते इधर प्लस 6 है, यू खत्म करने वास्ते उरे लगा ले आते -6, इधर ही -6, मतलब कि दोनों पासों के 6 माइनस करते तो यह कट जाता सीगा। इतने बच जाता 2y, इतने बच जाता 1, 7 + 6 घटाए 1, तो फिर आप दो भाग करते दोहां, तो एक कट जाता वाई वैल्यू कि आ जाती 1/2, इस तरीके ना करते। पर हुण आपां ने एक मैथड च होर देखिया सीगा वी जदों कोई इधरले पासे ये मान लो बराबर है, उरे कोई वेरीएबल है वाई, इहदे नाल कुछ भी कोई नंबर हैगा, मान लो कोई भी नंबर हैगा 5, ते आ कोई नंबर है 7, इधरले पासे कुछ नंबर है 9। तो हुण जदों आपां पहला इहनू सोल्व करांगे प्लस आई टर्म, जदों आपां इहनू उधर लैके जावांगे तो ये चीज़ प्लस 7 कहदा प्लस का, तो उधर जाके बन जूगा ये माइनस का बन जूगा, तो इधर बच जूगा 5/2। हुण 9 + 7 कटावे 2 आ जूगा, इतने लिख लाँगे 5/2। हुण 5 दे वाई की हुई भी है मल्टीप्लाई, जो आप इनू वाई तो उधर लैके जावे तो यह उधर जाके होगा भाग, तो इनू आप दो नाल की कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई वाली जी टर्म है उधर लैके जावे आप भाग के चेंज हो जूगी। तो इस तरीके आप सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हूँ आप स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो ये की है 2y + 5/2 = 37/2, आपू स्टेटमेंट लिख के इस तो बाद देखो जी हूँ प्लस 5/2 है, पहला तो 2y नू एवं प्या रहन देवे आप, जो प्लस 5/2 है यह उधर जाके साइन चेंज हो जूगा, यह बन जूगा -5/2 5/2। हूँ 2y आप एवं रख लाँगे। हुण थोड़े याद होगा इस चीज़ को आप सॉल्व किवें करते, दोहां दे जिहड़े हर की ने जिहड़े दोहां दे की ने डिनोमीनेटर वो बिल्कुल सेम ने गे, डिनोमीनेटर मतलब कि हर, तो इस करके आप इहनू डायरैक्ट माइनस कर सकते, 37 - 5 आप डायरैक्ट माइनस कर सकते, तो नीचे जिहड़ा इहदा डिनोमीनेटर है उही आ जाऊगा। याद रखियो कई बच्चे 2 - 2 0 कर देंगे ने, पर यह चीज़ गलत है, जदों डिनोमीनेटर सेम है तो वह सेम एज इट उतार लेंगे आप, फिर उपरलियाँ का एवं आप माइनस कर देंगे। हम आप 37 - 5 करा आजगा 32/2 मतलब कि 32/2, यदा मतलब कि 32 को 2 से भाग करनी है, जो आप 32 को 2 से भाग करते हैं डिवाइड करते हैं 32 को 2 से, तो की आजगा यदा आप अद्ध कर देंगे 32 का हाफ, कि आजगा 16, तो वाई की वैल्यू कि आजगी हूँ 2 ते y इधर मल्टीप्लाई ने आपस उधर जाके जो 2 है वह 16 के की हो जूगा डिवाइड के, या आप इस स्टैप में ऐ कर सकते कि आप दोहां पासे 2 नाल की कर दिए डिवाइड कर दिए। देखो एक ही चीज़ है, 2 - 2 कट जूगा, उरे भी की बच गया y = 16/2, उरे भी की बच गया y = 16/2, मतलब कि हुण y की वैल्यू कितनी आ गई 16/2। हुण आप 16/2 16 को 2 से भाग करना है, मतलब कि आजगा अपने को 8, तो 8 का आंसर है y = 8 दे, ठीक है जी। उम्मीद है कि सानू जिहड़ा इहदा ए पार्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि जे ए पार्ट समझ आ गया तो बाकी पार्ट प्रैक्टिस नाल अपने आप कर सकते हो। अगे नैक्सट है जी बी पार्ट, बी पार्ट देखते हैं आप। बी पार्ट दे विच की है अपने को 5t + 28 = 10 दे,
तो हुण की करांगे आपां जिहड़ा 28 है प्लस दा आपां इहनूं उधर ले जाके किहदा हो जूगा इह माइनस दा तां इह बन जूगा 10 चों 28 कटावांगे इह आ जूगा माइनस दा 18 इह बन जूगा 5t ਤਾਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ 18 ਵਟੇ 5 ਹੁਣ 5 ਤੇ ਟੀ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 5 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੀਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ 18 ਬਾਏ 5 ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਬਾਏ 5 ਪਲੱਸ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ 3 ਹੈ उधर जाके हो जूगा यह माइनस 3 ठीक है जी तो इनू आप एज इट रख लिया ए बाय 5 में 2 माइनस 3 कि हो जूगा माइनस द 1 हूँ इतने ध्यान देखा जरा ए ते 5 दे विच की आपस दे विच इन्हां दे विच रिलेशन हैगा तो 5 ए नू भाग कर रहे मतलब कि ए नू 5 नाल भाग किया हो उधर जाके जरा 5 है माइनस 1 नाल मल्टीप्लाई हो जूगा इस करके ए की वैल्यू कितनी आ जूगी माइनस 5 तो अपना सी पार्ट सोल्व हो चुका ए की वैल्यू आई माइनस 5 नैक्सट इज डी पार्ट हाँ जी डी पार्ट दे विच की है क्यू बाय 4 प्लस 7 इक्वल टू 5 दे तो क्यू बाय 4 प्लस 7 इक्वल टू 5 तो इनू सोल्व करने वास्ते अपा 7 नू दूसरी साइड लेके जावे तो यह बन जूगा माइनस का क्योंकि इधर किहदा सी इह प्लस का तो क्यू बाय 4 की जी वैल्यू है वह 5 माइनस 7 कि होंगे है 2 कि आऊगा माइनस का क्योंकि माइनस आई टर्म बड़ी है जे आप 5 से 7 की गल करिए 7 ये तो बड़ा 5 तो करके ये मूहरे जो साइन है वही लगेगा पर जे आप 5 के माइनस 7 की गल करिए फिर 5 बढ़ेगा ठीक है जी तो इन तुम्हें ध्यान रखना है तो हम 5 के 7 माइनस किया तो की आ जाऊगा माइनस 2 तो हम क्यू बाय 4 है नीचे हुण क्यू नू 4 नाल भाग किया होया तां उधर जाके हो जूगा यह मल्टीप्लाई तो क्यू की वैल्यू आ जूगी माइनस 8 तो इस करके क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 8 ए सी अपने कोल डी पार्ट नैक्सट इज ई पार्ट हुण आपां ई पार्ट नू सोल्व करांगे हाँ जी ई पार्ट दे विच की है 5/2x इक्वल टू 10 दे तो हुण आपां की करना हैगा हुण उरे ध्यान नाल देखांगे देखो की होया गया 5 नू तां x नाल गुणा है ते जिहड़ा 2x दे भाग दे विच है तां हुण उधर जाके की हो जूगा दूसरी साइड ते जाके जिहड़ा भाग दे विच सीगा उधर जाके मल्टीप्लाई हुंदा हुंदा है ते जिहड़ा मल्टीप्लाई दे विच सीगा उधर जाके भाग दे विच हो जूगा तां आपां इहनूं लिखांगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 दूनी किन्ना आ गया 4 तां x दी वैल्यू किन्नी आ गई 4 तां इस तरीके नाल करना जां फिर तुसीं सिंपल याद रखो आ पूरी टर्म किहदे विच है मल्टीप्लाई दे विच जे आपां इहनूं आए भी सोच सकते हैं कि 5/2x नाल मल्टीप्लाई है तां इह बराबर किहदी है 10 दे तां आपां इहनूं सोल्व करां तरीका चेंज हो जूगा अपना तो x की हो जूगा 10 हुण 5/2 उधर जाके भाग दे विच हो जूगी मतलब कि भाग 5/2 हुण जे आपां ने कीती हुई आ सारियां टर्म्स हुण जे इह भाग दे विच है तो हुण इहनूं 10 नूं 5/2 नाल भाग करना तो भाग करने वास्ते आपां उरे लगावांगे मल्टीप्लाई का साइन गुणा का तो इहनूं लिखांगे 2/5 उल्टा कर देंगे देखो उही चीज़ बन जूगी जिवें मर्जी कर सकते हैं 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 गुणा 2 किन्ना बन जूगा 4 मतलब एक्स की वैल्यू किन्नी आऊगी 4 जिवें तुसीं इहनूं मर्जी सॉल्व कर सकते हो हाँ जी अपना ई पार्ट कंप्लीट हो गया हाँ जी इस तों अगे अपने कोल एफ पार्ट दे विच की है अपने कोल इहनूं वी आपां जूम कर लीए हाँ जी एफ पार्ट करांगे हुण आपां एफ पार्ट लिखांगे आपां 5/2x इक्वल टू 25/4 हुण देखो इस चीज़ का मतलब की है इहदा मतलब कि जिहड़ा 5/2 है वह एक्स नाल मल्टीप्लाई है या फिर आपां इस तरीके नाल सोच सकते हैं कि जिहड़ा एफ है वह 5 नाल मल्टीप्लाई है जिहड़ा 2 है वह एक्स नाल भाग दे विच है तां उधर जाके दोनों उल्टे होणगे जिहड़ा हुण जिहड़ा 2 है एक्स नाल भाग दे विच उधर जाके हो जूगा मल्टीप्लाई जिहड़ा 5x नाल गुणा दे विच है ते नीचे आ जूगा इह भाग दे विच तैनूं सोल्व करांगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर आ गया 2 हुण अगे 5 नूं 5 एकम 5 5 5 25 तां एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई 5 गुणा 1 5 2 गुणा 1 2 तां 5/2 इहदा की आ गया अपने कोल आंसर आ गया ए सी अपने कोल एफ पार्ट नैक्सट इज जी पार्ट
जी पार्ट दे विच की है जी 7m प्लस 19 बाय 2 इक्वल टू 13 दे। हुण 7m दी वैल्यू पहला प्लस 19 बटे 2 है उधर जाके हुण सारा चीज इहदे नाल किहदे विच है इस टर्म दे नाल प्लस दे विच है तो उधर जाके की हो जूगा ये माइनस दे विच हो जूगा। हुण तुसीं नूं इस चीज़ नूं भी सोल्व करना आंदा है इस चीज़ नूं आपां सोल्व कर सकते हैं इस तरीके नाल पहला 2 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई 26 1 नूं 19 मल्टीप्लाई बचा माइनस है माइनस लग जूगा 19 तो इनू ये मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2 7m आ गया। हूँ 7m की वैल्यू कि आ जूगी अपने को आजगी 26 माइनस 19 कि होंगे अपने को होंगे 7 बटे 2 आप नीचे एवं रख लिया 26 के 19 घटा कि आ गया 7 आ गया तो हूँ अगे 7m की वैल्यू कि आ गई 7/2 जे हूँ ये मतलब की है 7 × m = 7/2 मतलब कि 7 ते m दी की हुई भी है गुणा तो उधर जाके की हो जूगा यह भाग दे विच ठीक है जी 7 नाल किहदे विच हो गया भाग दे विच जे तुसीं इहनूं ऐ नहीं लिखना चाहुंदे तो आपां इहनूं इस तरीके नाल भी लिख सकदे हां जे सानूं ऐ समझण दे विच दिक्कत आउंदी है तो तुसीं इहनूं ऐ भी सोच सकदे होंगे कि हुण 7m दा गुणा दे विच है तो उधर जाके किहदा हो जूगा भाग दे विच मतलब कि 7/2 नूं 7 नाल की कर दांगे आपां भाग बटे 1 लग जूगा तो m दी वैल्यू किन्नी आ जूगी 7/2 जिथे भाग इतने की करता है गुणा इस नंबर को आप उल्टा देंगे तो 7 × 7 कट जूगा की रह गया अपने को 1 रह गया 1 × 1 = 2 तो 1/2 यदा की आजगा आंसर आजगा ठीक है जी तो यह सोल्यूशन है तुम देख लिया अगे आप करा यह एच पार्ट। हाँ जी एच पार्ट के अपने को 6z + 10 = -2 दे तो हूँ इनू सोल्व करने वास्ते जो पहला प्लस का 10 है इनू आप लेके जावे दूसरी साइड तो यह की बन जूगा -2 पहला है ही 10 प्लस का इधर जाके हो जूगा माइनस का तो -10 बन गया 6z की वैल्यू कि आ गई -2 - 10 तो -12 आ जूगी तो z की वैल्यू कि आ जूगी -12/6 क्योंकि 6z की गुणा सी तो नीचे जाके भाग दे विच हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई 6 × 6 = 6 × 2 = 12 -2 आ गया जेड की वैल्यू कि आ गई अपने को -2 ये अपने को एच पार्ट। नैक्सट है जी अपने को आई पार्ट। हाँ जी आई पार्ट के अपने को 3l/2 = 2/3 हूँ आप वैल्यू पता करनी है एल की तो हूँ एल की वैल्यू किमें पता करा आप 3l तो आप लिख लिया सॉरी इनू आप एवें करते हैं हुण इहदा मतलब की होया भी 3/2 है एल दे नाल की है मल्टीप्लाई है सारी आ पूरी टर्म या तुसीं सोच सकदे हो 3 एल दे नाल मल्टीप्लाई है 2 एल दे भाग दे विच है तुसीं ऐ भी सोच सकदे हो ठीक है जी तां हुण आपां इस चीज़ नूं उधर जाके किहदा लैके जावांगे भाग दा भाग किहदे नाल करनी आपां ने 3/2 नाल तुसीं फिर एक चीज़ होर देखो भी जिहड़ा 3/2 है जे आप इन इस तरीके कर दे भी एल 3 मल्टीप्लाई उधर जाके भाग च हो जूगा तो हम देखो ये की बनेगा 2/3 जिथे भाग उ कर देंगे आप गुणा तो नंबर उल्टा देंगे तो 2 × 2 = 4 × 3 = 9 ये एल की वैल्यू कि आ गई 4/9 यदा आंसर है। देखो उरे हो की रहा 3l के भाग उधर जाके ही भाग च हो जाऊगा मतलब कि नीचे चला जाऊगा तो 3 × 3 = 9 तो जो 2 से उपर चला जाऊगा 2 × 2 कि 4/9 कटता ये कुछ है नहीं तो इस करके आंसर कि आजगा 4/9 यह आ गई एल की वैल्यू। अगे करा जी आप जे पार्ट। जे पार्ट के अपने को 2b/3 - 5 = 3 दे तो पहला आप इन सोल्व करने ली करा पहला आप 2b/3 है जिहड़ा -5 उधर जाके किहदा हो जूगा ये प्लस का 5 2b/3 = किहदे आ जूगा ये 8 दे हुण अगे हुण देखो 2 जिहड़ा 2 आ बी नाल गुणा है तो उधर जाके 8 दे भाग विच जिहड़ा 3 है ये बी नाल भाग दे विच उधर जाके गुणा दे विच ठीक है जी उल्ट करता तो इहनूं करांगे सॉल्व 2 × 2 = 8 तो हूँ 4 × 3 बज गए 4 × 3 = 12 तो बी की वैल्यू कि आ गई 12 तो इस तरीके अपने को जे पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगे आप देखते हैं जी। हाँ
हाँ जी अगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगे क्वेश्चन नंबर टू देख रहे हूँ आप। हाँ जी क्वेश्चन नंबर टू देखो हूँ, ये की है हेठ दित्तियां समीकरणों हल करो, ये भी सेम प्रोसैस है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशनस। तो यदा भी आप सिर्फ एको पोर्शन आप देखा पंजाबी वाला, आप जूम कर लें तो ये भी अगर पार्ट ने गे, ए पार्ट सब तो पहला, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी एच तक पार्ट ने। तो हम आप ए पार्ट तो स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ जी ए पार्ट दे विच, इहदे विच भी अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। आ क्वेश्चन है अपने को, टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू ट्वेल्व दे, हुण इहदे विच एक्स की वैल्यू पता करनी है। हुण देखो इस चीज़ का मतलब की है कि जिहड़ा टू है ये सारी ब्रैकेट दे नाल किहदे विच है, गुणा दे विच है। इहदा मतलब की है जिहड़ा टू है ये एक्स प्लस फोर दे नाल गुणा दे विच है, क्योंकि इहनां दे विचकार कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो इहदा मतलब दो दी इहदे नाल गुणा हुई भी है। तो जे अपने इस चीज़ की वैल्यू निकालनी हो, आप समझा तो ए समझो भी एक्स प्लस फोर किन्ने जैड के बराबर है, जैड के बराबर, यू अपने जैड मान लिया, एक्स प्लस फोर की मान लिया अपने जैड, यदा मतलब कि दो जैड न कि गुणा के जैड की वैल्यू कटन वास्ते आप दो उधर जी हो जाऊगा भाग के, वैल्यू छे आ जूगी। पर जैड एक्चुअल की मनिया से अपने एक्स प्लस फोर मनिया, तो मतलब कि एक्स प्लस फोर की वैल्यू कि आ गई सिक्स आ गई। तो ये तो एक्स की वैल्यू कि आ जूगी, एक्स के चार जोड़ना है छे बन जाए, तो एक्स की वैल्यू की होगी दो होगी, मतलब कि छे माइनस चार बराबर दो। ठीक है जी, तो जैड उरे मैं मनिया ता कि सुनो एक बार क्वेश्चन समझ लग जाए, क्योंकि आपने एक्स प्लस फोर की जो वैल्यू निकालेंगे तो जो टू है उधर जाके भाग के हो जूगा। तो हम आप जिमें आप क्वेश्चन करते हैं आम तौर पर उमें देखते हैं, जैड लगाने की लड़ नहीं, सिर्फ यह चीज़ समझाने वास्ते सी। तो हम देखो टू गुण इंटू मतलब कि गुणा की हुई है एक्स प्लस फोर न कि बराबर है बारह के। हूँ जो आपने इस चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो आप दोहों पास की करना पेगा डिवाइड करना, तो दो उधर जा कि हो जाएगा भाग का, तो एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय ट्वेल्व बाय टू, हूँ बारह में दो भाग करा तो बारह का पद कर दें कि आ जाऊगा छे, मतलब कि एक्स प्लस फोर की वैल्यू कि आ गई छे। तो हूँ जो अपने एक्स की वैल्यू पता करनी है तो जो प्लस फोर है उधर जाके हो जाएगा माइनस फोर, तो एक्स की वैल्यू कि आ जाएगी टू, छे चो चार घटावे दो। तो यह अपना ए पार्ट हो गया। नैक्सट आ गया आप बी पार्ट से, बी पार्ट के है थ्री एन माइनस वन इक्वल टू ट्वेंटी वन, यदा मीनिंग समझा हूँ आप कि तीन दी सारी ब्रैकेट का की हुई भी है, गुणा हुई भी है, तो तीन उधर जाके भाग च हो जूगा, इक्की तीन से भाग करता, इक्की तीन से भाग करा कि आजगा सत्त आजगा, मतलब कि एन माइनस फाइव इक्वल टू सैवन दे, जी माइनस फाइव की वैल्यू उधर जाके तो हो जूगा यह प्लस द, तो सत्त पांच किन्ने हो गए बारह, तो एन की वैल्यू कि आ गई बारह। अपना बी पार्ट कंप्लीट हो गया। नैक्सट करा आप सी पार्ट। हाँ जी सी पार्ट की है अपने को, थ्री एन माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी वन, थ्री एन माइनस फाइव इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन, यदा मतलब की है भी तीन की एन माइनस पांच पूरी ब्रैकेट नाल गुण है, तो पूरी ब्रैकेट का मुल कढ़न वास्ते आपां तीन नाल की करना पेगा भाग, तो तीन एकम तीन, तीन सत्त इक्की, माइनस सत्त बटे एक मतलब कि माइनस सत्त आ गई, कि वैल्यू आ गई है एन माइनस पांच की। हम आप पता करनी है एन की वैल्यू, एन माइनस पांच जो माइनस सत्त के बराबर है, जो ये माइनस पांच उधर जा कि हो जूगा यह प्लस द, तो माइनस सत्त प्लस पांच कि आ गया माइनस द दो, क्योंकि माइनस है जी संख्या वह बड़ी है। अगे देखो जी डी पार्ट, हाँ जी डी पार्ट के अपने को क्वेश्चन है, थ्री माइनस टू ब्रैकेट टू माइनस वाई इक्वल टू सैवन दे। हाँ जी देखो पहला की है, पहला आप हूँ अपने को थ्री एक्सट्रा आ गया, ये मतलब पिछले क्वेश्चन ये चीज़ होंगी नहीं सी, हूँ आ गई। तो अपने करना की है, तो सब नू पता है कि जो तीन के उमरे कोई भी साइन नहीं है तो कि साइन होगा ये प्लस का, मतलब ये प्लस थ्री है। ठीक है जी, तो हूँ जे ये प्लस थ्री है, जे अपने इस पूरे पोर्शन की वैल्यू पता करनी है, इस पोर्शन की अपने मान लो इस पोर्शन की वैल्यू पता करनी है, तो हूँ तीन ये कहदे विच है माइनस के, पर तीन आप कि इधर प्लस का,
ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸੱਤ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਤਿੰਨ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਿਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਤਿੰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਟੂ, ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਚਾਰ ਵਟੇ ਮਾਈਨਸ ਦੋ, ਚਾਰ ਵਟੇ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਭਾਗ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਟੂ, ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਟੂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵਾਈ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਈ ਪਾਰਟ, ਹਾਂਜੀ ਈ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਫੋਰ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਈਨਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਕਸ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਅੱਠ, ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਾਰ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਈਨ ਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਮਾਈਨਸ ਅੱਠ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਫੋਰ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਫੋਰ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਅੱਠ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅੱਠ, ਨੌ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਤਾਰਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰ ਐਕਸ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਸਤਾਰਾਂ ਵਟੇ ਚਾਰ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਤਾਰਾਂ ਵਟੇ ਚਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਫ ਪਾਰਟ, ਤਾਂ ਐਫ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਈਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦੋ ਦੀ ਗੁਣਾ ਅੱਠ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਚਾਰ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਨੌ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਠ ਇੱਧਰ ਕਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਠ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅੱਠ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਨੌ ਚੋਂ ਅੱਠ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਾਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਫ ਪਾਰਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਪਾਰਟ, ਜੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਪਲੱਸ ਫਾਈਵ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥਰਟੀ ਫੋਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਫੀ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਇੰਟੂ ਫਾਈਵ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਈਵ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੌਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੀਹ, ਤਾਂ ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਗੁਣ ਪੰਜ, ਪੰਜ ਛੇਗਾ ਤੀਹ, ਪੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਕ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੈਵਨ। ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਪਾਰਟ, ਜੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਐਚ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਚ ਪਾਰਟ। Yeah.
हाँ जी एच पार्ट, एच पार्ट की है अपने को 34 माइनस 5 पी माइनस 1 बराबर 4। आपने एक समीकरण लिख ली तो हम इन सॉल्व करांगे। पहला की है 34, इन व्या पाए कर दें 34 की दा है प्लस दा, उधर जाके कादा हो जाऊगा माइनस दा, इतने लिखेंगे 4 माइनस 34 तो हम इन हल करांगे। तो देखो किमें हम पहला पहनू हल कर दें, चलो पी माइनस 1 हूँ 4 माइनस 34, 4 प्लस दा 34 माइनस दा, दोनों का कटो होगा कि रह जूगा 30 माइनस दा हो क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो हूँ इनू पाई लिख रहे पी माइनस 1 माइनस 30 हूँ माइनस जोड़ा 5 है पूरी ब्रैकेट का गुण है तो आप 5 माइनस सॉरी इन आप लिख सकते हैं माइनस का 5 नीचे आ जूगा तो माइनस ना माइनस कैंसल हो जू 30/5 की बन जूगा 6 तो पी माइनस 1 कि आ गया 6। तो हम पी माइनस 1 की जो वैल्यू 6 है तो आप कि पता करनी है पी की वैल्यू पता करनी है अपने तो माइनस 1 उधर जा कि बन जू ये प्लस का तो 6 + 1 कि बन जूगा 7 इसमें पी की वैल्यू आ चुकी है। आज साइड से क्वेश्चन सारा सॉल्व किया है तुम देख सकते हो नहीं जो मैं समझाया उम्मीद भी कर सकते हो। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, हम करांगे आप क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी हम आप करांगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, हेठ दित्ती समीकरणों हल करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम इनू किमें सॉल्व करांगे, इन भी पहले आप जूम कर लिए। हाँ जी तो पहला क्वेश्चन की है अपने को जो ए पार्ट है, ए पार्ट के पहली इक्वेशन कि अपने को 4 इक्वल टू 5 पी माइनस 2। हम इन किमें सॉल्व करा, सब तो पहला अपन ब्रैकेट तो बाहर है 5, ये कले कले भाग ना मल्टीप्लाई कर लो, पहला 5 नू पी ना गुणा करो, 5 गुणा पी फिर बेचारे माइनस है माइनस लिख लिया 5 गुणा 2 तो यह बन जूगा 5 पी माइनस का 10 उरे आ जूगा 4 जो माइनस 10 उधर जा कि हो जूगा यह प्लस का 4 + 10 की वैल्यू कि आ गई 5p। हम 5p की वैल्यू कि आ गई 4 + 10 = 14 आ गई तो हम पी की वैल्यू कि 14/5 यदा आंसर है। ये से अपने को पहला पार्ट बिल्कुल पिछले सवालों के नाल देने कोई फर्क नहीं इन्हों दे विच। अगे देखो जी बी पार्ट, बी पार्ट च माइनस 4 इक्वल टू 5p माइनस 2। तो हम की करना अपने पहला ब्रैकेट खोलेंगे 5 नू पी ना गुणा 5 गुणा पी फिर 5 नू फिर माइनस अब चाले माइनस ला लिया अपने फिर 5 नू 2 ना गुणा तो माइनस 4 एवं लिख लिया 5 × p 5p 5 गुणा 2 माइनस 10 तो हम 5p हम इतों देखो तुम आ स्टैप तो बाद माइनस 4 इक्वल टू 5p माइनस 10 तो हम दोह पास जो आप 10 ऐड कर दो 5p की वैल्यू -10 + 10 आ कैंसल हो जूगा -4 + 10 कि आ गया 6 आ गया इक्वल टू कि इक्वल टू हैगा यह 5p दे इक्वल है तो उरो पी की वैल्यू कि आ जूगी जो आप कह सकते 5p 6 के बराबर है पी की वैल्यू कि आ जूगी 6/5। ठीक है जी ये अपने को बी पार्ट, अगे आप करांगे हमने थर्ड पार्ट। हाँ जी हूँ आ गया सी पार्ट, सी पार्ट का पहला आप लिख लिए ये भी बिल्कुल सेम उस तरह करना आप -16 इक्वल टू -5 2 - p। हूँ देखो उरे आप मल्टीप्लाई किमें करनी है, पहला तो -5 की मल्टीप्लाई हुई भी है इस पूरी ब्रैकेट का तो पहला -5 में आप 2 ना मल्टीप्लाई करा फिर बचाले की है माइनस फिर आप -5 में 2 ना मल्टीप्लाई करा हूँ आप ब्रैकेट क्यों लाइए क्योंकि 2 माइनस इकट्ठे आ जाते नहीं, पहला आप -5 नू 2 ना गुणा करांगे फिर आप -5 नू माइनस पहला तो आता लगा लिया माइनस आ माइनस तो उरे लगा लिया आपने हूँ -5 नू कि गुणा करनी है पी ना सॉरी उरे पी आऊगा पी ना गुणा करांगे तो सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है जी
तो उरे लिखांगे माइनस 16, पांच दुना 10, हुण माइनस माइनस की बन जूगा, प्लस का बन जूगा, तो 5 × p बन जूगा 5p, तो 5p की वैल्यू कि आ गई, माइनस 16 इधर से 10 उधर जा कि हो जूगा प्लस का 10, तो 5p की वैल्यू कि आ गई माइनस 6। जे 5p की वैल्यू माइनस 6 है तो पी की वैल्यू कि होगी माइनस 6/5। ये अपने को आंसर आ जूगा, जिहड़ा इहदा सोल्यूशन है तुसी देख सकते हो। बार बार करोगे इस क्वेश्चन नूं, थोड़े कोल 8th क्लास का भी चैप्टर एक थोड़ा कंप्लीट हो जाऊगा, जो तुसी उरे नूं ध्यान ना करगे। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं आप। नैक्सट पार्ट हैगा डी पार्ट, ये भी आप जूम करना पैना। हाँ जी, डी पार्ट के विच की है, डी इक्वल टू 4+3 t+2, डी इक्वल टू 4+3 t+2। हम पहला आप ब्रैकेट ओपन करांगे, 4 एवं लिख लिया, 3 की मल्टीप्लाई टी नाल 3t, चले प्लस से प्लस लिख लिया, 3 की मल्टीप्लाई 2 नाल 3 × 2, तो हम 4 आप एवं लिख लिया, 3t+3 × 2 कितना बन जूगा 10, आ भी 10 है। हाँ जी, इतने एक अपने को मिसटेक होगी, उरे आ जाओ अपने को 3 × 2 कि होंगे 6 होंगे, हूँ 6 × 4 कि बन जूगा 10। याद रखियो आप 3t दे विच नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 3 t है तो 4 कला इधरों 6 कला, आप समान टर्म्स में जोड़ना आपस के 4 × 6 कि आ गया 10+3t, ये भी कि 10, तो हम 10 की है प्लस का, उधर जाए कहता हो जूगा यह माइनस का, तो अपने को 3t की वैल्यू कि आ गई, 3t लिखे हो 10 − 10 कि हो गया 0, तो 3t की वैल्यू कि आ गई 0। जो 3t 0 है, 3 की मल्टीप्लाई करिए 0 आ जाए, तो t की वैल्यू कि आ जाऊगी 0। ठीक है जी, तो इस तरीके अपना यह एफ पार्ट कंप्लीट हो जाऊगा। अगे आप करना है यदा ई पार्ट, ई पार्ट के अपने को स्टेटमेंट लिखी हुई है 4+3 t+5 इक्वल टू 28, चाहे 28 आप इधर लिख ली, चाहे आप 28 इधर लिख ली, एक ही गल है, क्योंकि दोनों आपस बराबर ने, तो इन सोल्व करते हैं आप। 4 प्लस लिख लिया, हूँ 3 की कि मल्टीप्लाई हुई हुई है पूरी ब्रैकेट में, तो पहले आप 3 × t ना मल्टीप्लाई करा 3t, फिर प्लस फिर आप करा 3 × 5 ना मल्टीप्लाई, 5 × 3 = 15 इक्वल टू 28, 4+3t+15 = 28। हूँ 4+15 किन्ने बन जाएंगे 19 3t, उरे आ जाऊगा 28, तो हूँ 3t 19 इधर कि प्लस का, उधर जाके 19 का हो जाऊगा माइनस का, तो अपने को 3t की वैल्यू आ जाऊगी 28 − 19 9 के बराबर, तो हूँ 3t = 9 दे आ गया, तो हूँ आप पता करनी है वैल्यू टी की, तो 3 गुणा करिए भी 9 आ जाए, अपने पता भी 3 × 9 होंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 3, या फिर 3 इधर जाके भाव च लै जाओ 9/3 भी 3 आ जाऊगा। तो इस तरीके आप ई पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है जी, नैक्सट है अपने को एफ पार्ट, हाँ जी एफ पार्ट के अपने को 0+16+4m − 6। हूँ यदा मतलब की है भी आ चीज़ सारी 0 है, तो 16 च आप की जोड़िए भी 0 बन जाए, −16 मतलब यदि वैल्यू −16 होगी, तो आप किमें करा इधर 16 प्लस का, उधर जाकर 16 का हो जाऊ माइनस का, या फिर इनू ए भी कर सकते हैं आप, इनू ए रहने दो, इनू 16 लिख लिया आपने, हम 4 की ब्रैकेट खोलो, 4 × m 4m माइनस आ गया 4 × 6 = 24, तो हूँ जो 16 इधर कि प्लस का, उधर जा कि हो जाऊ माइनस का, या फिर इन्हें एक स्टैप अगर होर मूव कर लो, हूँ 16 − 24 है, ये कि आ जाऊगा −8+4m = 0। ठीक है जी, 16 − 24 है, यदा मतलब कि माइनस का 8 हो जाऊगा, यह +4m, हूँ यही जो 8 उधर जा कि बन जाऊ यह प्लस का, 0+8 = 4m, तो हूँ अपने कि वैल्यू पता करनी है, अपने आप पता करनी है वैल्यू m की, 0+8 कि हो गया 8/4 आ जाऊगा, m = 2।
ठीक है जी, आ सारा जो सोल्यूशन है उवें हल होगा जिवें पहला वाले क्वेश्चन किए ने, तो इस करके ध्यान नाल आपां ने करना है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, अगे आपां करांगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, क्वेश्चन 4 दे विच की है, पहला इहदा ए पार्ट कहिंदा एक्स बराबर 2 तों शुरू करदे हो, 3 समीकरण बनाओ, कोई तुसीं मर्जी बना सकदे हो 3 समीकरण, या फिर एक्स माइनस 2 तों शुरू करदे हो कोई 3 समीकरण बनाओ। पहला आपां की कीता, 3 समीकरण लिखांगे जिहड़ियां एक्स बराबर 2 तों शुरू हुंदियां ने। हुण देखो जी, आह मान लो एक समीकरण है, इहनूं आपां वड्डी समीकरण च बनाउणा है, तो जिहदे नाल मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। मान लो आपां दोहां नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करती, की बन जूगा इह 5x इक्वल टू 10 बन जूगा, ये भी एक समीकरण है। या फिर होर समीकरण किवें बन सकती है, पहली समीकरण बन गई, हुण दूजी समीकरण एक्स इक्वल टू 2 है दोहां पासे, या फिर एवें करो इत्थे तुसीं की करो 5x बराबर 10 आ गया, दोहां पासे 2 जोड़ दो, तो यह बन जूगा 5x प्लस 2 बराबर 10 प्लस 2, तो यह बन जूगा 5x प्लस 2 बराबर 12 दे, ठीक है जी। तो आप इस तरीके कर सकते हैं। अगे है तीजा पार्ट का, सॉरी हाँ तीजी क्वेश्चन हम आप देखा, एक्स इक्वल टू कितने सेगा 2 दे, तो हम ये वास्ते इक्वेशन की बनेगी, दो हम 10 ना मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जूगा 10x 10 दूना 20, 10x बराबर 20 इक्वल बन गया चीज़। मतलब कि तुम आपके वालों कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, जिड़िया मैं सोल्यूशन सॉल्व की हुई है तुम ये भी बना सकते हो, ठीक है जी। पर आपके वालों जो इक्वेशन कोई मर्जी बना लो, बस वो चीज़ क्वेश्चन अपना हर आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 सीगा, ए पार्ट। तो हम तीजी इक्वेशन बनाई जाने ने आ सी, एक्स बराबर 2 सी, दोनों पांच ने भाग करती, एक्स बटे 5 बराबर 2/5। तो अपना क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अगे है बी पार्ट। सेम उही चीज़ है, इंग्लिश दे विच भी आप बी पार्ट आप इंग्लिश दे विच कर लैंदे आ। तो देखो इक्वेशन बनानी है आप जी, एक्स माइनस 2 तो स्टार्ट हो जाए, 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद एक्स माइनस 2। तो हूँ एक्स माइनस 2 अपने को देती, हूँ आपू मेनटेन रखना है। तो पहली इक्वेशन बनाने वास्ते आप करा दोहां तीन नाल मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस 2 सीगा, ये 2 इंटू 3 बन जूगा, तो यह बन जूगा 3x माइनस 6, ठीक है जी। फस्ट इक्वेशन अपने को बन गई, ठीक है जी। हम आप बनावे सैकेंड इक्वेशन, सैकेंड इक्वेशन बनाने एक्स इक्वल टू माइनस 2 सीगा, पहला दोहां नूं तीन नाल मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो की बन जूगी, 3x माइनस 6 उपर वाली बन जूगी। हुण इहदे विच कुछ भी जोड़ दो, चाहे आप 5 जोड़ दें, 3x प्लस 5 माइनस 6x प्लस माइनस 6 प्लस 5, तो 3x प्लस 5 एवें रह जूगा, माइनस 6 प्लस 5 की बन जूगा माइनस का 1, तो एक इक्वेशन आ बन जूगी। मतलब कि जिवें भी मर्जी आप मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। अगे अपने को एक्स इक्वल टू माइनस 2, हुण इहदी तीजी इक्वेशन बनावांगे, पहला दोहां नूं 4 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ जी, हाँ 4 नाल मल्टीप्लाई करती, तो इक्वेशन बन गई 4x माइनस 8 बन गई। हुण दोहां दे विच 12 ऐड कर दो, 4x प्लस 12 माइनस 8 प्लस 12, तो यह बन जूगा 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 माइनस 8 प्लस 12 बन जूगा प्लस द 4, तो एक इक्वेशन अपने को आ बन जूगी, 4x प्लस 12 इक्वल टू 4 दे, तो यह एक इक्वेशन बन गई 3, ठीक है जी। ये तो बी पार्ट हो गया, बस ये एवं ही क्वेश्चन करने ने, मतलब कि कोई भी इक्वेशन आप अपने वालों बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तो अलावा जो आपको होर लिखना हो, आप को मान लो इक्वेशन हैगी एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये तो आपने पहली इक्वेशन बनानी है, तेन 6 ना मल्टीप्लाई कर दो, लो जी 6x 2 इंटू 6 ये बन जूगा 6x माइनस 12, पहली इक्वेशन बन गई। हुण दूजी वास्ते की करांगे, इहदे विच ही आपां आही चीज़ इत्थों ही बनी हुई है ये, तो हम ये आप दो पासे 5 ऐड कर देंगे, 6x प्लस 5 माइनस 12 प्लस 5, ये बन जूगी 6x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7 दे, लो जी दूजी इक्वेशन बन गई। हुण जो आप सॉल्व करांगे तो अपने को एक्स की वैल्यू दोबारा यही आऊगी, क्योंकि आपने दोहां पास्यों सेम नंबर ना मल्टीप्लाई की है, तो अगे जाके सेम नंबर ना प्लस किया है, मतलब कि आपने ये वेट बिल्कुल इको जिहा पाया। मान लो एक्स सी, ये किन्ना सी माइनस 2, पहला आपू 6 गुना वेट करता, इन 6 गुना वेट करता, मतलब
आ चीज़ बन गई 6x माइनस 12 तो ये बैलेंस रूप क्योंकि आप सेम नंबर ना मल्टीप्लाई किया फिर आप दोहां दे विच 5 ऐड करता 5-5 किलो वेट ऐड करता तो भी ये बैलेंस रूप ठीक है जी। तो फिर यह बन जूगी 6x+5 इधर आ जाऊगा माइनस द 7 बचाले की है इक्वल क्योंकि दोनों ये वेट की ने इक्वल ने। तो अपना इस तरीके जी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। इस तो बाद आप करा एक्सरसाइज 2.4 नैक्सट वीडियो के। हाँ जी थैंक यू ठीक है जी। तो इनू इस वीडियो में तुम 2-3 बार देख के अपना सॉल्व करना कॉपी पर ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। इनू बार बार करना ठीक है जी। थैंक यू।